औद्योगिक नगरी पीतमपुर में पुलिस थाना सेक्टर एक में कंपनियों में हो रही चोरियों का पर्दाफाश करते हुए कंपनियों में चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों से केबल, स्क्रैप, एसएस प्लेट, हाइड्रोलिक पंप व अन्य सामग्री जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस थाना सेक्टर एक पीतमपुर क्षेत्र में आए दिन कंपनी में चोरी हो रही थी, जिसके चलते आरोपी द्वारा कंपनियों में से केबल, स्क्रैप, एसएस प्लेट, हाइड्रोलिक पंप व अन्य सामग्री की चोरी दिनांक 7 सितंबर 2024 को फरियादी ओम प्रकाश थाना में उपस्थित हुआ, जिसने बताया कि कंपनी के गोदाम से एसएस प्लेट, हाइड्रोलिक पंप व अन्य सामग्री अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना हाजा पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। निर्देश के बाद थाना प्रभारी सेक्टर एक पीतमपुर निरीक्षक संतोष दूधी द्वारा थाने से टीम बनाकर कस्बा क्षेत्र रवाना की गई। अज्ञात मुखबिर की सूचना पर तारपुरा जंगल में बंद फैक्ट्री में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सामान को सुरक्षित रखा जा ना पाया। मुखबिर की सूचना को सत्य मानते हुए टीम को रवाना किया गया था, जिस पर अज्ञात व्यक्तियों की तलाशी लेते हुए उनके पास केबल, स्क्रैप, एसएस प्लेट, हाइड्रोलिक पंप व अन्य सामग्री होना पाया गया, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर व्यक्तियों द्वारा एसपीएम कंपनी व ओपी पांचाल एंड सन्स कंपनी से चोरी करने कबूल किया गया। सूचना पर हिरासत में लिया था, जिससे पूछताछ करने पर पाया कि थाना क्षेत्र की कई फैक्ट्रियों में इनके द्वारा चोरियां की है। अभी 3 दिन पहले भी ओम प्रकाश पांचाल का एक गोडाउन है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक पंप, इलेक्ट्रिक वायर और एसएस रोल, हाइड्रोलिक पंप, इस तरह से करीब 5 लाख रुपए का आइटम चोरी किया है जो बरामद हुआ है, और अभी इनसे पूछताछ जाए।